SN2 का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। अब देखो क्या है मामला, SN2 की बात करें है ना, तो SN2 का मतलब हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। तो होगा क्या कि भाई बायोमोलिकुलर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट एक साथ कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्युलरिटी क्या होगी 2, ठीक है। तो रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी होनी चाहिए 2, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, पहला पॉइंट कहता है कि द SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इज सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, ये जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो भाई द SN2 इज सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक। अब सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है कैसे, ये मैंने एक कार्बन लिया, इसके साथ ये लगा दिया अल्काइल, ठीक। एक काम और कर सकते हैं कि इसमें एक हाइड्रोजन मैंने लगाया वेज पे और डैश पे दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा हो गया हेलोजन। तो यार ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया प्राइमरी, ठीक। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल के सामने आता है, ठीक। सर SN1 में क्या हुआ था, न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोकेटायन पर अटैक किया था, लेकिन SN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो सीधे सीधे अल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है। दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल केटायन पर अटैक किया था इंटरमीडिएट पे SN1 में, और यहाँ पे क्या होगा, वो कंप्लीट केटायन था, पूरा कार्बोकेटायन था, लेकिन इसमें पोलर पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है, वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन था और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है, पोलर पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो शुरुआती जो डिफरेंस है SN1 और SN2 में, जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो यही है कि कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक कर रहा था SN1 में, और SN2 में क्या होगा कि पोलर कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो अब देखो न्यूक्लियोफाइल सर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे अटैक कर रहा है, ठीक। अब डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे जब ये अटैक करने जा रहा है, तो आपको पता है कि सर यहाँ पे जो X हमने ले रखा है, तो X के पास खुद ही इलेक्ट्रॉन है ना, ये X एक तो पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो गया है, और साथ साथ X के पास लोन पेयर्स भी हैं, एक बॉन्ड अगर ये बनाया है सर, तो इसके पास देखो यार लोन पेयर्स तो हैं, बचे हुए 3-3 लोन पेयर होंगे, है कि नहीं, तो ये 3-3 इसके पास लोन पेयर है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कैटायन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये नेगेटिवली चार्ज लोन पेयर जो है, और न्यूक्लियोफाइल भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये इसको यहाँ पे आने नहीं देगा, आई बात समझ में, तो ये इसको रिपेल कर रहा है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कभी भी पोलर कार्बन पे सामने से अटैक नहीं कर पा रहा है SN2 में। SN2 में न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो फ्रंटवर्ड नहीं है, जबकि SN1 में ये फ्रंटवर्ड था, ठीक है, पूरी तरह से केटायन था, हैलाइड वहाँ पे रोक टोक करने के लिए था नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अटैक होगा, ये अटैक होगा सर बैकवर्ड, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसा होना है, बैकवर्ड अटैक होना है, आगे बात समझ में। तीसरा डिफरेंस SN1 SN2 में क्या निकल के आया, उसमें फॉरवर्ड अटैक था, इसमें कैसा अटैक है, बैकवर्ड अटैक है, जिसकी वजह से जो स्टीरियोकेमिकल प्रॉपर्टी है वो भी इफेक्ट होगी, ठीक है। अब समझिए, जब ये न्यूक्लियोफाइल ने बैकवर्ड अटैक करा, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप, अब न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया है, ठीक, और हेलोजन से बॉन्ड जो लीविंग ग्रुप है उससे बॉन्ड जो है वो वीक होते जा रहा है। अब एक बहुत ही कम समय के लिए पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, ऐसे कार्बन की कैपेबिलिटी 4 बॉन्ड से ज़्यादा की है नहीं, ठीक है, तो ये जो है अपने कैपेबिलिटी से ज़्यादा बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब ये एक हाईली अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है, इंटरमीडिएट स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है, तो ये जो पेंटावेलेंट स्टेज है ये ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है, ये इंटरमीडिएट नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेट जो बना हुआ है इसको हम अपन कहते हैं पेंटावेलेंट अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, ठीक।
और कार्बन हैलाइड का बॉन्ड धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा, X माइनस लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया और न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके कार्बन के साथ जुड़ गया है। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखो, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ा कार्बन, तो न्यूक्लियोफाइल जो ऐड हो रहा है ना यार, ये बैकवर्ड ऐड हो रहा है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन है वो बैकवर्ड है। बाकी इसका स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में कर देंगे, फिलहाल के लिए ये इतना है। ठीक है, यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप आ गया है, ठीक, और X माइनस बाहर लिविंग ग्रुप। अब समझिए, अगर हम इस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी की बात करें तो यहाँ कोई स्लोएस्ट स्टेप कोई फास्टेस्ट स्टेप है ही नहीं, जो है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। और सिंगल स्टेप में जो हमारा अल्काइल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल है, दोनों एक ही साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों मॉलिक्यूल रिएक्शन में एक टाइम पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। है बात समझ में? ठीक है, तो बोथ द मॉलिक्यूल द अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल आर कोलाइडिंग टुगेदर इन दिस रिएक्शन मैकेनिज्म। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग स्पॉन्टेनियसली इन अ रिएक्शन मैकेनिज्म इज कॉल्ड मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो इसका मतलब हम इस रिएक्शन को जो बायोमोलिकुलर घोषित किए थे वो क्यों घोषित किए थे कि इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी है जी? 2 है। ठीक है, तो मॉलिक्युलैरिटी इसकी 2 है। क्यों 2 मॉलिक्युलैरिटी हुई? क्योंकि बोथ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल आर पार्टिसिपेटिंग टुगेदर साइमल्टेनियसली इन दिस रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसका रीजन, तो रीजन पॉइंट अपन लिख सकते हैं इसमें कि बोथ Rx एंड दी न्यूक्लियोफाइल, है ना, बोथ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेटेड इन द रिएक्शन मैकेनिज्म साइमल्टेनियसली। ठीक, और वही SN1 में क्या हो रहा था, अल्काइल हैलाइड से पहले हेलोजन छोड़ के चला जा रहा था। ठीक है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। दूसरे स्टेप में कैटायन और न्यूक्लियोफाइल दोनों साथ में थे, लेकिन दूसरा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग था नहीं, रेट डिटरमाइनिंग था पहला स्टेप। और जो RDS था उसमें तो एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में था ना, तो इसलिए वो यूनिमॉलिक्यूलर हो गया, और ये बायोमॉलिक्यूलर हुआ क्योंकि एक ही स्टेप है और उसमें दोनों ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं साथ साथ। समझ गए बात? इसलिए इसकी मॉलिक्युलैरिटी हो गई 2। ठीक, अब वहां पे SN1 में ये पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा SN2 का कंप्लीट हुआ। ठीक है, सिंगल स्टेप, ये दूसरा मॉलिक्युलैरिटी 2। ठीक, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, या ऑर्डर ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन ऐसे समझो। ठीक, ऑर्डर ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन। SN1 में हम लोग क्या कर रहे थे, मोर स्टेबल इज द कार्बोकेटायन, मोर फिजिबल इज द SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा था SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म उतना ज़्यादा फिजिबल हो रहा था। ठीक है, लेकिन SN2 की फिजिबिलिटी का फैक्टर यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन नहीं हो सकता है क्योंकि इंटरमीडिएट बना ही नहीं है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट अगर बन रहा होता तब हम बात करते कि सर कोई भी रिएक्शन में मोर स्टेबल इज द रिएक्शन, इंटरमीडिएट मोर फिजिबल इज द केमिकल रिएक्शन, लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो हम ऑर्डर ऑफ फिजिबिलिटी डिटरमाइन करते हैं उसके लिए एक नया फैक्टर आता है जिसे हम लोग करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, उसका कारण ये है कि न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक कर नहीं पा रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैकवर्ड है। ठीक है, और अगर बैकवर्ड क्राउडिंग को बढ़ा दिया गया, है ना, जिस डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उधर अगर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल किया जाएगा, है ना, और न्यूक्लियोफाइल आ नहीं पाएगा सामने। समझ रहे हो बात को? तो न्यूक्लियोफाइल पोलर कार्बन के पास जाना मुश्किल हो जाएगा अगर क्राउडिंग बढ़ जाएगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का सीधा मतलब है, हिंड्रेंस का मतलब हुआ रोक टोक। ठीक है, तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस को डिफाइन कर सकते हैं हिंड्रेंस ऑफ अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना। ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल टू द पोलर कार्बन या पोलर पॉजिटिव कार्बन, है ना,
टू से ज़्यादा बेटर है फोर लिख दे ना, फोर दी पोलर पॉजिटिव कार्बन, ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल फॉर द पोलर पॉजिटिव कार्बन, ठीक, पोलर पॉजिटिव कार्बन के लिए जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, उसको जो हिंड्रेंस होगा, ठीक है, किसके द्वारा, बाय द बल्कियर ग्रुप्स, बाय द बल्की ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन एटम, ठीक है, जो कार्बन एटम पे बल्कियर ग्रुप मौजूद होंगे उनके द्वारा जो हिंड्रेंस होगा, जो रोकटोक होगा, जो रिपल्शन होगा, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक। अब क्या बात है कि सर न्यूक्लियोफाइल बैकवर्ड अटैक करने वाला है, अगर हम ऐसा लें कि पहला सिचुएशन, हमने पहला एग्जांपल लिया कि सर यहाँ पे हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक, और बाकी छोटे छोटे हाइड्रोजन आइटम्स हैं जिनको कि नेग्लिजिबल माना जाता है, इसको दिखाओ या ना दिखाओ बात बराबर होता है, ठीक। अब यहाँ पे हेलोजन है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब यार न्यूक्लियोफाइल अगर पीछे से अटैक कर रहा है, ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है तो यहाँ पे एक ही बड़ा ग्रुप है, वो कौन सा है, मिथाइल, वो भी बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये वन डिग्री के केस में हम कह सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो क्या है, हमारा कम है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है मतलब SN2 जो है वो क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, SN2 की फिजिबिलिटी हाई है, ठीक। यही अगर हम लोग इसे 2 डिग्री में ले आए, मतलब यहाँ पे मैं दो मिथाइल ग्रुप्स एक साथ ले आता हूँ, एक हाइड्रोजन इसके पास रहने देते हैं और एक ये हैलाइड, तो अब क्या होगा कि सर पार्शियल पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहा है, ठीक। अब न्यूक्लियोफाइल किधर से आता है, सर बैकवर्ड अटैक करके आता है, ठीक। तो ये न्यूक्लियोफाइल बैकवर्ड आना चाह रहा है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि सर ये एक बड़ा ग्रुप है और ये एक बड़ा ग्रुप है, अब दोनों ग्रुप यहाँ पर रिपल्शन और बढ़ा दे रहे हैं, तो ये कोशिश करेगा कि इधर से हाइड्रोजन वाला स्पेस जो है उधर से निकल के आ जाए, ठीक। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस जो है 2 डिग्री में वो SH जो है वो मॉडरेट है ना, और इसीलिए SN2 भी यहाँ पे क्या है, मॉडरेट है। और कई बार 2 डिग्री के केसेस में क्या होता है, एलिमिनेशन घटित हो जाता है ना, वहाँ 2 डिग्री है तो वहाँ मैक्सिमम चांसेस है कि एलिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ SN1 भी फेवर नहीं कर रहा है और SN2 भी फेवर नहीं करता है। अगर हम 3 डिग्री की बात करें तो सर 3 डिग्री वाले सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सर तीन तीन बल्कियर ग्रुप हैं, है ना, तो जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा जो आना चाह रहा है, इस न्यूक्लियोफाइल को कहीं से भी जगह नहीं मिलेगा, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है SH जो है वो बहुत हाई है, तो इसीलिए SN2 जो है वो क्या है, लो है, SH हाई है और SN2 लो है, ठीक है। अब सर स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर्स किन बातों पर डिपेंड करता है, पहली बात तो हम देखेंगे कि सर डिग्रीज अगर बढ़ा दें तो स्टेरिक हिंड्रेंस हाई हो जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि वन ही डिग्री है और वन ही डिग्री में कोई बड़ा ग्रुप लग गया, टर्शियरी ब्यूटाइल लग गया, तो भी हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आ रही बात समझ में, तो बल्कियर ग्रुप की जगह भी स्टेरिक हिंड्रेंस हाई होता है ना। तो ऐसे SN2 के ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए हम दो फैक्टर लेंगे, ठीक है, एक फैक्टर है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का, जिसको अभी हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं किए, PDCH आ जाता है तो भी SN1 SN2 कम होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड से तोड़ना मुश्किल हो जाता है और लिविंग ग्रुप कमज़ोर हो जाता है, ठीक। और दूसरा फैक्टर SN2 के लिए जो एक्सक्लूसिव है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस।